असलमस वेलकम बैक टू माई चैनल मैजिकल बाइट उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल सके तो जनाब आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल डिश जो कि है फ़िश है फ़िश हमने आज क्रिस्पी फ़िश बनाई है फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है तो रेसिपी क्या है चल चलते हैं रेसिपी की तरफ या हमने ड्राइड इन्ग्रीडियंट्स के अंदर धनिया जीरा अच्वाइन किसी भी मिर्च हल्दी और नमक है फ़िश आपने पहले से ही वॉश करके रख लेनी है अगर आपके पास फुल पीस है फ़िश का तो डेजन मैटर आप उसके ऊपर पूरा कवर कर सकते हैं जो हम मिक्सचर बना रहे हैं और अगर आपके पास पीसेज हैं तो हम पीसेज को इस तरीके से कवर करेंगे तो यहाँ जो हमने सारे स्पाइसेस लिए हैं ये सब वन वन टीस वन वन टेबल स्पून है और जो है धनिया जो है हमारे पास वो टू टेबल स्पून है सॉल्ट वेल एज लिक्विड अच्छा इसके अब हमने अब, अब, मसाला अप्लाई करने से पहले जो है लेम्बू से लेमू का रस जो होता है लेमन जूस उससे पूरा जो है फ़िश को हमने जूसी कर देना है फिर उसके बाद ये जो हमने मसाला रेडी करके रखा है वो इसके ऊपर कवर कर देंगे और उसके बाद अपने थोड़ा जो है चाट मसाला और थोड़ा फिश पाउडर जो कि हमने दोनों वन वन टी स्पून लिए थे और दोनों को मिक्स किया और वो हमने इसके ऊपर डाल दिया मतलब ज़्यादा नहीं करना सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है इसके ऊपर कवर करना है और इसको ट्वेंटी मिनट्स के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है ओके कॉर्डिंग मिक्सचर जो हम बना रहे हैं वो ये है कि यहाँ हमने वन कप मैदा लिया था जिसके ना वन टी ब्लैक पेपर वन टीस्पून नमक और हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून जो है हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड किया था बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हमने इसको पानी ऐड करना है और इसका टेक्सचर ऐसा बनाना है कि जो ना कि ज़्यादा लिक्विड हो और ना ही ज़्यादा थिकर हो मतलब इसकी कंटेंसिटी जो है वो नॉर्मल uh, होनी चाहिए नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए कि आप ईजीली uh, जो है फ़िश को फ़िश पीस को जो है कवर कर सकें कॉड कर सकें इट्स ईजी टू फ्राई तो जी इस तरीके से आपने ये करना है आप इसकी कंटेंसिटी देख सकते हैं अब मैं इसको क्या करूँगी कि सेपरेट कर दूँगी और सेकेंडली हमारे पास जो है मैंने जो है ड्राई मैदा लिया है जो कि ओवरऑल कप टू कप होगा क्योंकि फिश ज़्यादा है इसलिए अच्छा डीप फ्राई आपने करना है तो ऑयल जो है मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है तो उसके बाद हमने देखें कॉडिंग किस तरीके से करनी है फर्स्ट कॉड आपने जो है लिक्विड फॉर्म में करना है देन ड्राई और अच्छी तरीके से कोट करना है सारे कॉर्नर्स इसके अच्छी तरीके से कोट करने हैं और इसे फ्राइंग के लिए डम कर देना है अच्छा ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इसका जो फ्लैम है ना बहुत ही स्लो होना चाहिए बहुत ही लो होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपका ऑयल गर्म हो चुका है अगर आप तेज़ ऑय तेज़ फ्लेम पर डालेंगे मीनस के ऑयल बहुत ही गर्म हो और फिर भी उसकी जो फ्लेम है वो तेज़ होगा तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फ़िश है ना फ़िश अंदर से जो गलेगी नहीं बट ऊपर से जो है वो जल जाएगी तो इससे मज़ा नहीं आएगा आपको क्रिस्पी फ़िश चाहिए तो आपको इसको लो फ्लेम पर आपने कम्प्लीट करना है तो जनाब आप ये देख सकते हैं मेरी फिश रेडी हो चुकी है अच्छा सेकेंडली मैंने इसकी चटनी बनाई थी फ़िश के साथ जो बनाई थी टमाटर की उसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी रेसिपी लिख दूँगी वेल हमारी रेसिपी बहुत ही ईजी है बहुत ही सब है और विंटर स्पेशल है उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी तो रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है मुझे फीडबैक देना है और बताना है कि आपको रेसिपी कैसे लगी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दें। कर दें बेल आइकन का बिटन क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल सके वीडियो को जरूर पॉज करना है स्किप नहीं करना है और अगर चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़